हमारे पास क्या है, हमें ये देखना है कि हाउ मेनी लेटर्स वी हैव। हमारे पास है ए, फिर हमारे पास है ए, फिर हमारे पास है ए, कितने ए है हमारे पास, थ्री ए ए ए, थ्री ए। एस, एस कितने हैं, टू एस, तो ये शुरू में ही है, फोर, और फिर टू एस है, फोर, गुड। फिर हमारे पास है आई, आई कितने हैं, आई टू, टू आई। एन कितने हैं, टू, टू एन है। फिर हमारे पास क्या बचा, फिर हमारे पास बचा ओ, और बस बचा टी, टी है ना। तो आपके पास थे कितने, फोर, और फोर फोर एट, थर्टीन, फोर ट्वेल्व थर्टीन, और यहाँ कितने हो गए बस, थ्री फोर सेवन टू नाइन फोर थर्टीन, यस और नो, यस थर्टीन हो गए। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि भाई सारे एस को साथ में आना है, तो अगर साथ में आना है तो एस को हम क्या मान लें, X. X मान लिया, अगर हमने X मान लिया तो हमारे पास अब क्या रह गया, 3A रह गए, 2I हो गए, 2N हो गए, और T हो गया। तो अरेंजमेंट ऑफ दीज कितने हो गए, 3, 4, 2, 6, 4, 10, है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ दीज क्या होगा बेटे, 10 अपॉन फैक्टोरियल, इस 10 को डिवाइड किससे करेंगे, A के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, I के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, N को 2 से डिवाइड करेंगे, यस और नो, Yes, अच्छा फिर हम क्या कहते हैं कि जो हमने एक साथ लिया है x, उसके लिए भी अरेंजमेंट लेते हैं, तो x के अंदर कौन है, 4s अरेंजमेंट होगा उनका, 4 फैक्टोरियल, लेकिन चारों के चारों कैसे हैं, सेम है, तो उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो तो 1 ही आ जाएगा, तो टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 1, यस और नो। तो इतने अरेंजमेंट्स होंगे व्हेन ऑल एस कमिंग टुगेदर। अगर मैं आपसे कहूं नॉट कमिंग टुगेदर तो क्या होगा, टोटल में से माइनस कर देंगे इसे, टोटल बताइए ना कितना होगा, 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 इनटू 3 इनटू 2, यस गुड, वेरी गुड। चलो जी, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है।